ये प्रश्न बच्चों बोर्ड मास के नियम पर आधारित है। चलिए देखते हैं इस सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे जो छोटे कोष्टक के अंदर है, तो इसको लिखेंगे 0.9, भाग का चिन्ह लगाएंगे। अब बच्चों 0.3 में 0.3 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 0.09 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा ये तो दशमलव का भाग हो गया। अब बच्चों इस दशमलव को भाग को लगाने के लिए एक सरल तरीका समझिए। सबसे पहले इसको बदलिए भिन्न में, 0.9 को भिन्न में बदलेंगे कितना हो जाएगा 9/10, भाग का चिन्ह लगाइए। इसको बच्चों भिन्न में बदलिए तो कितना हो जाएगा 9/100 हो जाएगा। अब ये बच्चों क्या हो गया, ये भिन्न का भाग हो गया। कैसे हल करेंगे, 9/10 भाग के जगह गुणा का चिन्ह लगाइए और इसको पलट दीजिए, कितना हो जाएगा 100/9 हो जाएगा। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा बच्चों 100/10, 10 × 1 = 10, 10 × 10 = 100। तो इसको बच्चों हल करने पर इसका उत्तर कितना आएगा, 10 आएगा, 10 इसका सही उत्तर हो जाएगा।